यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहरी एक मिसाल है, सब लोग भाईचारे से यहाँ पर रहते हैं। मोदी जी से योगी जी से कोई सवाल नहीं होता, इनके मैनिफेस्टो पर भरोसा नहीं होता, खाली हवाई फायर करते हैं। यहाँ पे सिर्फ जाति बात को लेकर धर्म को लेकर जो वरुण यहाँ का किसान व्यापारी दोनों परेशान है। और मोदी जी को दो बातें मिल गई हैं, पाकिस्तान या आतंकवाद। यह जो है आज की मीडिया केवल एक पार्टी के लिए काम कर रही है। हमारा जमीनी नेता चाहिए जो यहाँ रहता है। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। मुजफ्फरनगर सहारनपुर से चलकर अब हमारी टीम पहुंची है पीलीभीत, और यहां पर पीलीभीत की जनता से जानेंगे कि रुझान किस तरफ है और मतदान यहां पर 23 में होने वाला है, किन मुद्दों के साथ यहां की जनता चुनाव करने वाली है, मतदान करने वाली है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। क्या लगता है किन मुद्दों के साथ यहाँ की जनता चुनाव करने वाली है, मतदान करने वाली है? यहाँ विकास के हिसाब से चुनाव करने वाली है जनता। अब तक जो इससे पहले रहा सांसद उसने विकास किया नहीं, अब जो सांसद चुनने जा रहे हैं ये सोच के चुन रहे हैं कि ये शायद विकास करे। मेनका गांधी का काम आपको ठीक नहीं लगा इस क्षेत्र में? ठीक नहीं लगा। अच्छा, तो अब क्या लगता है कि किससे उम्मीद है आपको? अब गठबंधन का जो प्रत्याशी आया है इसके लिए लोगों की सोच है कि हो सकता है गठबंधन का प्रत्याशी जो है ये हमारे सोच में खरा उतरे। इसके लिए क्या समस्याएं हैं यहाँ की, मूलभूत जो मुद्दे हैं वो क्या हैं? यहाँ के मुद्दे यही हैं कि यहाँ की सड़कें हैं, रोड है और तमाम विकास है, किसानों का पेमेंट है गन्ने का। अच्छा। किसानों की और भी बहुत सी समस्याएं हैं, कोई सहायता नहीं है। इससे पहले सरकार ने किसी तरीके की कोई समस्या नहीं की। अच्छा। अब इससे उम्मीद है कि हो सकता है ये करे, और अगर ये भी अपने उसमें नहीं खरा उतरता है तो उसके बाद कुछ और सोचेंगे। अच्छा, योगी सरकार ने वादा किया था 14 दिन में भुगतान करने का, क्या मिला है किसानों? नहीं मिला सर, नहीं मिला। सिंचाई को लेकर बाकी की जो किसानों की समस्याएं हैं, भुगतान डबल करना, मोदी सरकार ने भी कहा था कि किसानों को जो है दोगुना भुगतान मिलेगा, क्या लगता है? देखिए, किसानों को तो यहाँ कुछ नहीं मिला, किसान बहुत परेशान है। यहाँ का क्षेत्र व्यापारी है और काश्तकार है। काश्तकार तो गन्ने के पेड़ में मारा गया है, और किसान जो है GST और नोटबंदी मारा गया है जो व्यापारी है। यहाँ का किसान व्यापारी दोनों परेशान हैं। अच्छा, मोदी सरकार कहती है कि नोटबंदी से सिर्फ एक ही परिवार रोया है और वो है गांधी परिवार। मध्य वर्ग और यहाँ के किसान, यहाँ की जनता किस कैसे देखती है नोटबंदी से क्या असर पड़ा? नोटबंदी पे यहाँ के व्यापारियों को बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, और ये व्यापारी लोग हैं ज्यादा यहाँ पर। अच्छा। बिजनेसमैन लोग हैं, राइस मिलर हैं, लकड़ी के कारोबारी हैं, दुकानदार हैं। ये नोटबंदी से इतना बड़ा असर पड़ा है मार्केट पे, व्यापारी के ऊपर, कि व्यापारी बहुत ही परेशान है। गांधी परिवार क्यों रोता? वो तो पैसे उनके पास पैसा है साहब। अच्छा। हाँ, वो तो आम आदमी रोया है। हाँ, पब्लिक को परेशानी हुईगा, पब्लिक परेशान हुई है। हाँ, बहुत ज्यादा। गठबंधन से क्यों है उम्मीद, क्या लगता है सही करेगा? उम्मीद ये है, हाँ सही करेगा कहाँ से, अब नहीं करेगा तो सही भी हटा देंगे, फेंक देंगे। उम्मीद है कि गठबंधन को यही सोच के हम लोग अपना रहे, उसको वोट देंगे कि काम सही करेगा। कल ये भी सही नहीं करता है काम तो कोई और देखेंगे, कोई और बैठा होगा तैयार लिए। अच्छा। हाँ, तो क्या वादों से खुश हैं? हाँ, वादों से खुश है। अब वादे कर रहा है, वादों के ऊपर मतलब ये निर्भर करता है हम लोगों को कि। अच्छा, बीजेपी ने भी तो 2014 में कई सारे वादे किए थे। कोई वादे पे बीजेपी ने वादे किए कि लोगों का हर खाता खुलवाएंगे, घर घर हर आदमी का खाता, उसमें पैसा आएगा। हाँ, कि लोगों को, इतने लोगों को रोजगार दिलाएंगे। कोई आज तक बीजेपी ने जितने भी वादे किए हैं एक एक वादे में किसी में खरे नहीं उतरे, सब झूठा। हाँ, सब झूठे। अच्छा। बाकी और जनता से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा शमसुल कमल नाम है। किन मुद्दों के साथ मतदान करेंगे सर? बस यहाँ पे विकास के मुद्दे हैं सारे। हाँ। और विकास के मुद्दे की ही वजह से मतदान। सारे गरीब आदमी बहुत ज्यादा परेशान है सर। अच्छा, जी हाँ, बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ है बीजेपी सरकार में। अच्छा, अच्छा। जी, शिक्षा को लेकर क्या क्या हालात है यहाँ पर? शिक्षा को लेकर क्या हालात है? शिक्षा को लेकर सर ये हालात खराब है साहब। यहाँ पे हालात खराब है साहब, बिल्कुल 5 साल से हालात खराब है। और मोदी जी को दो बातें मिल गई हैं, पाकिस्तान या आतंकवाद, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई जनता क्या इन वादों में आने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। अरे, ये छोटा सा पाकिस्तान, उसको आप हीरो बना रहे हो, क्यों बना रहे हो हीरो? जी, हमारा क्या मतलब है उससे? हमें यहाँ वोट देखना है। जी जी, क्या बोला उनका? कभी माँ इधर आती है तो
बेटा उधर चला जाता है, बेटा उधर जाता है तो माँ उधर चली जाती है। वरुण गांधी आ रहे हैं, क्या कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, कतई बिल्कुल। परेशान है, पाँच साल में एक बार आते हैं वरुण गांधी। अच्छा, सांसद बनने के बाद नहीं आते? बिल्कुल नहीं आते, पाँच साल में सिर्फ एक बार। अच्छा, विकास और क्या विकास पिछले पाँच सालों की अगर बात करें मोदी सरकार के, तो किस हद तक विकास हुआ है? कुछ हुआ है शहरों में? कोई विकास नहीं हुआ है, हमारे यहाँ पे एक रुपए का विकास नहीं हुआ है। अच्छा, अब हेमराज वर्मा जी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने वादा किया है हमारे यहाँ केसर मिल है, यहाँ पे जाम लगता है बहुत, तो उन्होंने वादा किया है कि हम ओवर ब्रिज बनाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे, वो बोल के यहाँ पे। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है? अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, तिवारी की टाइम से यहाँ पे डिग्री कॉलेज बना हुआ है, उसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे शिक्षा की। यहाँ पे यहाँ पे लोग जो है युवा देखिए आप बिल्कुल यहाँ पे बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी जो चुनाव में जो ज्यादातर मुद्दे उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो सेना को लेकर देशभक्ति को लेकर ज्यादा उठाए जा रहे हैं, तो आम जनता क्या सोचती है? बीजेपी एक जो खाली है अब एक होता है फैलाना, खाली की पब्लिक को अपने लुभाने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो गुमराह करना है, राजनीति में सिर्फ गुमराह करना है और कुछ नहीं इसके अलावा। असली मुद्दों से भटकाने के लिए खास करके मीडिया जो है, आज की मीडिया केवल एक पार्टी के लिए काम कर रही है। और हमने देखा पहले के सत्ता के खिलाफ जो है मीडिया पहले लाती थी, आज विपक्ष के खिलाफ काम कर रही है। सवाल करते हैं तो विपक्ष के खिलाफ करते सवाल, हाँ विपक्ष से सवाल करते हैं, मोदी जी से योगी जी से कोई सवाल नहीं होता, विपक्ष से सवाल होता। और कुछ चैनल तो हम देखते हैं जब खोलते हैं तो उन्हें केवल सुबह से शाम तक मोदी जी दिखाई देता है। अच्छा, रोजगार की काफी बड़ी समस्या रही है, मैं युवाओं से जानना चाहूंगा रोजगार को लेकर क्या यहाँ पर स्थिति है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है? पाँच साल में कुछ हुआ नहीं, और कुछ हमारे प्रतिनिधि वो मेनका गांधी को लड़ाना चाह रहे हैं और माननीय सांसद इधर की उन्होंने नाम तक लिया, हमने बहेड़ी नगर में 5 लाख रुपए दिए, कुछ लोग एजेंट मेनका गांधी को भी लड़ाना चाह रहे हैं बहेड़ी। कुछ लोग हैं उन्हें कुछ जवान नाम मिलना चाह रहा हूँ मैं, और माननीय मेनका गांधी ने खुद अपनी स्पीक पे खुद कहा है उन्होंने 5 लाख रुपए मैंने दिए मुसलमानों, मतलब वो पैसे दे करके कुछ हो रहा। हाँ, कुछ उन्होंने क्या है नाम दिया और कुछ आज तक उन्होंने 15 लाख आएंगे, एक पैसे नहीं आया मोदी जी ने 5 सालों में आज तक। अच्छा, अभी जो मैनिफेस्टो आया है बीजेपी का, उससे क्या यहाँ के लोग इत्तेफाक रखते हैं, कुछ खुश हैं? देखिए, मैनिफेस्टो बीजेपी का पहले भी आया था, उसमें भी इन्होंने कोई काम नहीं किया, तो अभी इन्होंने निकाला है, तो अब इससे भी आदमी क्या भरोसा करेगा? अच्छा जी, भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, भरोसा नहीं है इनके मैनिफेस्टो पर, भरोसा नहीं है सर। खाली हवाई फायर करते हैं। पीएम पद के दावेदारी में अगर बात करें तो जनता किसे पसंद करेगी? राहुल ज्यादातर लोग, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। ठीक है, क्यों राहुल गांधी को? क्यों राहुल गांधी? युवा को नई उम्मीद है, रोजगार की नई उम्मीद है राहुल गांधी से। राहुल गांधी से उम्मीद है? जी जी जी। और गठबंधन से अगर कोई पीएम पद की दावेदारी में आएगा तो कौन आएगा? वो उनका अपना जाति मामला है, जो भी इनको अच्छा लगेगा। गठबंधन से जो लड़ रहे हैं उनकी आप बात कर रहे हैं? हेमराज वर्मा जी है। हेमराज वर्मा जी है गठबंधन के टिकट पर हैं। तो अगर गठबंधन की सीट आई तो जनता किसे देखना पसंद करेगी? गठबंधन, चाहे वो अपना गठबंधन उनका पर्सनल है उनका मैटर, चाहे वो क्या। यहाँ के पीलीभीत के विकास के लिए कौन सा बेहतर रहेगा विकल्प आपके लिए? हेमराज वर्मा जी। बदलाव, बदलाव चाहिए जनता को, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। वो लोग दिल्ली में बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, वो लोग दिल्ली में बैठ रहते हैं। वरुण और बरुण की माँ जी अगर यहाँ से सांसद बनती हैं तो वो हमेशा दिल्ली में रहती है, वो यहाँ कोई कार्य नहीं करती है। हमें हमारा जमीनी नेता चाहिए जो यहाँ रहता है, जो हमारे अभी जल्दी में एक गांव में आग लगी थी, एक खेत में आग लगी थी, तो वरुण जी उधर देखने भी नहीं गए थे और हेमराज जी उस गाँव में पहुंच गए थे, उन्हें जहाँ मीटिंग में जाना था वो मीटिंग छोड़ के उस गाँव के खेत में, क्योंकि वे किसान के बेटे हैं और उन्हें पता है कि जो किसान होते हैं उनका दर्द क्या होता है। जमीनी नेता को हमें चुनना है, हमें अपने क्षेत्र का नेता चुनना है, ना कि बाहर वालों को हमें चुनना है। उनका यहाँ से वाइकआउट करना, बिल्कुल हमें यहाँ पे रखना ही नहीं उन्हें अब यहाँ पे। ये तो बस ये है, कुछ नहीं यहाँ पे, सिर्फ जातिवाद को लेकर, धर्म को लेकर जो वरुण और बरुण की माँ यहाँ पे बस नेतागिरी करती हैं। पिछली बार जो बरुण ने हाथ काटने वाली बात कही थी, अरे ये हमारे भाई हैं, हम सब एक होके रहते हैं, जिस तरह भड़कावा करके और माहौल को खराब करके यहाँ पे नेतागिरी करते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम एडवोकेट हर्षित महाजन। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे हम लोग प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, ये बहेड़ी एक नाम है, यहाँ की मिसाल है कि यहाँ पे सिर्फ प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ हुआ ही नहीं आज तक, यहाँ पे ये चीज नहीं आई। ठीक है, आगे आ जाओ।
नहीं, मैं हकीकत आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ये हकीकत है, यहाँ पे जितनी मोहब्बत रही है लोगों ने, कितने यहाँ पे बाहर के लोग आके यहाँ पे उकसाने वाली बात करते हैं, पर यहाँ की आवाम जो है वो सिर्फ मोहब्बत की भूखी है, सिर्फ मोहब्बत जी। ये सब जो पार्टी है, और खासकर मैं तो अब ये देख रहा हूँ रियलिटी फैक्ट, रियल फैक्ट है, जो बीजेपी की जो माइंड इनका ब्रेन जो है वो सिर्फ यही वॉश कर रहा है, सिर्फ यही करना चाहता है वो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम लेके। हनुमान आपका अयोध्या का जो मुद्दा था उसको लेके इन्हें बीजेपी सरकार बनाई पिछली बार, बनाई यही मुद्दा था कि हिंदुओं को इन्होंने माइंड मेकअप। इस बार भी तो उन्होंने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र किया। वो कुछ नहीं कर सकते, और मुद्दा अगर जो बना दिया तो मुद्दा खत्म हो जाएगा भाई, कहां से बीजेपी को फिर आगे आदमी चुनेगा, ये बताइए आप। नहीं बनाएंगे ये, नहीं ये देखिए आप, नहीं ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो जाएंगे, जनता जाएगी उनके साथ जैसे उनके साथ जाएगी, ये सिर्फ वही लोग जाएंगे जो दिमाग से कुंडबुद्धि है, ठीक है। दिमाग हम लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहरी एक मिसाल है, सब लोग भाईचारे से यहाँ पे रहते हैं, हम लोग सब लोग यहाँ भाईचारे से रहते हैं, कभी भी हिंदू मुस्लिम की किसी तरह की बात नहीं करते हैं, ना कोई दिल में कोई भावना रहती है, और सब लोग मिलजुल के यहाँ पे कारोबार करते हैं, एक दूसरे के सब लोग साथ में आते हैं, दूसरे के साथ आते हैं। अभी हमारे यहाँ आग लग गई थी यहाँ पे नगर पालिका मार्केट के अंदर, और यहाँ पे सारे हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ आगे उसको आग को बुझाया था हम लोगों ने। ये होना भी चाहिए देश के अंदर, ये होना भी चाहिए, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर एक बवाल सा मचा हुआ देश भर में पिछले 2014 से बात करें। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि ये जो माहौल है जो देश भर में बदला है, मोब लिंचिंग के नाम पर लोगों की हत्या की जा रही है, गोहत्या के नाम पर मोब लिंचिंग की जा रही है, तो यहाँ का माहौल क्या उसका असर पड़ा है यहाँ के लोगों में? ये इसको अच्छा यहाँ के हिंदू भाइयों ने भी नहीं कहा है, जैसा कि ये माहौल बना रहे हैं, यहाँ के हिंदू भाई भी क्षेत्र के हमारे सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ चंद लोग हैं जो ऐसी कोशिश करते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम माहौल बने तो उससे राजनीतिक फायदा हो, राजनीतिक फायदे के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वरना सच्चाई तो ये है कि ये जो तुम्हारे विधायक बैठे हुए हैं बीजेपी के, ये सब पैसे ले लेके गाय कटवा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, सच्चाई। हाँ हाँ, ये सत्ता पक्ष के विधायक कौन? हाँ, बहेली के विधायक हैं, उनके लोग इकट्ठे कर रहे हैं, वो भाई साहब कबाड़ों से पैसे इकट्ठे करके चोरी के ट्रक कटवा रहे हैं, कसाईयों से पैसा ले रहे हैं, यहाँ तो इतनी बड़ी वो हो रही है, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई कौन करेगी? सत्ता उनकी है, पुलिस खुद खा रही है, पुलिस भी खा रही है, उनके साथ में कार्रवाई कौन करेगा? अच्छा, पुलिस खुद उनके साथ में पैसा खा रही है, और पुलिस इकट्ठा कर रही है, उनको दे रही है, कार्रवाई करेगा कौन? बालों से पैसा ले रही है। तो और क्या समस्या है बोलिए? भाई यही समस्या है, फैक्ट्रियों की है, बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है जी, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है। तो ये पीलीभीत बहेड़ी के ये लोग हैं, हर एक समस्या पर इन्होंने बात की, और किस तरीके से हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालकर राजनीति की जा रही है उस पर भी ये बात है, काफ़ी दुखी है। और यहाँ जो पिछले सांसद रह चुकी हैं लगातार पिछले 5 साल में यहाँ पर नहीं आई है, उन मुद्दों को नहीं उठाया है, ये भी एक बड़ी समस्या है। इन सारे मुद्दों पर यहाँ की जनता मतदान करने वाली है। कैमरामैन दानिश के साथ आकिल रजा, पीलीभीत। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।